हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेखा ए टू जेड क्रिएशन में। इस वीडियो में आप ब्लाउज का तीसरा पार्ट देखेंगे कि कैसे आगे बनाएंगे। देखिए, ये जो पीछे का पार्ट का जो हमारा ये बॉर्डर से बाजू तक का जो ये लंबाई है वो हमारा पूरा हो चुका है। अब मैं इसमें सीधी तरफ से सीधा फंदा बुन के मैं ये बाजू का फंदा कम करूँगी। तो ये देखिए, ये हमारा जो पहला फंदा है इसको सीधे तरफ से ऐसे लेना है, और जो दूसरा फंदा है दोनों को सीधी सिलाई पीछे की तरफ करके ऐसे सीधी सिलाई, दो फंदे को एक फंदा ऐसे बनाना है। फिर वापस इस फंदे को सिलाई पे लेना है और इसको भी सीधी सिलाई बुनते हुए फिर एक और फंदे को साथ में लेके हमें इस तरह से हमें दो फंदे को एक फंदा करना है। ये हमारा दो बार हो गया, और फिर दो फंदे को एक फंदा सीधी सिलाई बुनते हुए ये तीन बार हो गया, और फिर वापस इस फंदे को सिलाई पे डाल के और ये दो फंदे को एक फंदा हमारा ये चार बार बन के हमारा जो है ये कंप्लीट हो गया। और अब जो हमारा डिज़ाइन है वो कंटिन्यू बनेगा। एक सिलाई में कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। एक तरफ से हमारा ये सीधे तरफ से घटेगा, फंदा कम होगा, और दूसरी तरफ इसको हम पूरा बुन लेंगे और उल्टी तरफ से हमारा फंदा कम होगा। तो इसको मैं बना के बताती हूँ। ये देखिए, एक तरफ से सीधी तरफ से हमारा ये चार फंदा कम होके एक सिलाई कंप्लीट हो गया है, और अब ये उल्टी तरफ से हमारा ये जो सिलाई है वो कंप्लीट होगा, चार फंदा कम होगा। तो देखिए, इसको हमें क्या करना है, सीधा बना लेना है। अब धागा को अपने तरफ ले लेना है और ये उल्टा बुनते हुए देखिए, दो फंदे में एक ही बार सिलाई लगा के और दो फंदे को एक फंदा बना लेंगे। फिर वापस इस फंदे को इस सिलाई पे लेके और फिर दो फंदे को एक फंदा बना लेंगे। ये हमारा दो बार हुआ और ये तीन बार हुआ और ये चार बार हुआ। ये हमारा इधर से भी उल्टी तरफ से भी ये हमारा चार फंदा कम हो गया है। जो हमारा बाजू का कटिंग का जो शेप है वो हमारा ये इसी तरीके से आएगा, ठीक है। ये भी सिलाई मैं उल्टा तरफ से उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करके फिर इसका नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये जो हम उल्टा तरफ से लास्ट फंदा जब हमारा ये आएगा तो सभी फंदे को बुन के ये जो हमारा लास्ट फंदा है इसको हम नहीं बुनेंगे, इसको ऐसे ही सिलाई पे ले लेंगे। अब सीधी तरफ से दूसरी बार हमारा ये चार फंदा कम हुआ है और दूसरी बार अब हमारा तीन फंदा कम होगा। तो ये देखिए, इस फंदे को हमने नहीं बुना हुआ, इस फंदे को लेके और साथ में जो जिस फंदे को हम बुने हैं ये दो फंदे लेके दो फंदे का एक फंदा करना है। फिर वापस सिलाई पे डालते हुए फंदे को एक बार और फंदा कम करेंगे, ये हमारा दो बार हुआ, और फिर एक बार और दो फंदे का एक फंदा करेंगे, तो ये हमारा तीन बार कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर हम जो हमारा डिज़ाइन है, डिज़ाइन को हम बना लेंगे। फिर मैं आपको ये सिलाई कंप्लीट करके और नेक्स्ट बताती हूँ। देखिए, ये तीन फंदा, एक बार चार फंदा और एक बार तीन फंदा कंप्लीट करके घटा के यहाँ पे भी ये हमारी जो सिलाई है ये कंप्लीट हो गई। और यहाँ लास्ट में जब हम आएंगे तो ये हमारा लास्ट वाला फंदा जो है बिना बुने हुए सिलाई पे उतार लेंगे। फिर इधर से हमें तीन फंदा कम करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो बिना बुने हुए फंदा उतारे हैं वो और जो बुना हुआ फंदा है वो दो फंदे का यहाँ पे साथ में एक फंदा कर लेंगे। फिर इसको वापस सिलाई पे लेते हुए हम दो फंदे का एक फंदा करेंगे। ये हमारा दो बार फंदा कम हुआ, फिर हम वापस लेते हुए सिलाई पे दो फंदे का एक फंदा करेंगे। देखिए, ये हमारा तीन फंदा कम हो गया, और फिर इस सिलाई को उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, ये हमारा उल्टा भी, उल्टा की तरफ से भी उल्टा बुन के तीन फंदा कम करके उल्टा बुन के ये मेरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ हम जो है इस फंदे को बुन के, सारे फंदे को बुन के और जो लास्ट वाला हमारा फंदा है उसको नहीं बुनेंगे, वैसे ही ले लेंगे। ऐसा हमें तब तक करना है जब तक हमें फंदे कम करने हैं। अब ये हमारा चार फंदा कम हुआ, तीन फंदा कम हुआ, अब इस यहाँ पर हमें दो फंदा कम करना है। यहाँ पे हमें दो को एक बनाना है, फिर दो फंदे को एक बनाना है दो बार। ये हमारा दो फंदा कम हो गया, फिर हम इसको बना लेते हैं।
इसी तरह से हमें दो दो फंदा, ये चार फंदा हुआ, फिर तीन फंदा कम हुआ, फिर दो फंदा हुआ, फिर हमें नेक्स्ट लाइन में एक फंदा कम करना है। तो यहाँ पे हमारा चार और ये तीन सात हो गया, और दो नौ हो गया, और एक फंदा और कम करेंगे तो ये हमारा टोटल फंदा यहाँ पे 10 बंद होगा, कम होगा, जिससे हमारा ये बाजू के कटिंग का जो शेप है वो आ जाएगा। देखिए ये मेरा कंप्लीट हो गया। आगे से फिर इस फंदे को बिना बुने हुए उतारेंगे। और फिर से इधर जो बिना बुना हुआ फंदा है और एक बुने हुए फंदा को लेके उल्टा बुनते हुए दो फंदा का एक करेंगे, और फिर दो फंदे का एक करेंगे। उसके बाद फिर कंटिन्यू एक सिलाई पूरा कर लेंगे उल्टा बुनते हुए। देखिए ये मेरा उल्टा भी कंप्लीट हो गया, दो फंदा कम करके घटा के। और यहाँ अब फिर एक फंदा बिना बुने हुए ले लेंगे, और यह हमारा जो है शेप है, कटिंग वाला शेप जो है वो हमारा लास्ट है। लास्ट में एक फंदा कम होगा, एक बिना बुना हुआ जो फंदा है और एक बुना हुआ फंदा लेके हमारा सीधा बुनते हुए यहाँ पे एक फंदा कम होगा। उसके बाद से हमारा ये सीधे की तरफ से पैटर्न बनेगा। देखिए ये देखिए सीधे तरफ से भी इधर एक फंदा, लास्ट वाला एक फंदा कम करके ये सीधे सीधे तरफ से मेरी एक सिलाई पूरी हो गई है। और लास्ट वाला भी हम उतार के कंप्लीट कर लिए। और फिर अब उल्टी तरफ से भी हमारा ये बिना बुने हुए फंदे को लेके और जो हमारा एक बुना हुआ फंदा है दोनों को लेके हम दो फंदे का एक फंदा बना के ये लास्ट वाला हम कंप्लीट कर लिए। इसके बाद अब हमारा कोई फंदा कम नहीं होगा और जो हमारा पैटर्न है उसी तरह बनेगा। ये देखिए उल्टा तरफ से भी लास्ट वाला दो फंदा का एक फंदा करके एक फंदा कम करके और ये मेरा ये कंप्लीट हो गया। और इधर हमें अब टोटल फंदे बुन लेना है, किसी फंदे को नहीं छोड़ना है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। और अब हमें डिजाइन को बनाते, देखिए ये डिजाइन को बुनते हुए हमारा फंदा कम हुआ है, ये चार तीन दो एक, फिर इधर से भी हमारा चार तीन दो एक, चार सिलाई इधर से उल्टा और चार सिलाई इधर सीधा तरफ से बुन के हमारा ये चार तीन दो एक करके फंदा बाजू का जो शेप है कटिंग का शेप वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि ये हमारा लेंथ आएगा, ये हमें लेंथ बुनना है 6 इंच तक। अगर हम यहाँ से लेंगे तो हमारा 7 इंच होगा, 7 साढ़े 7 इंच होगा, और यहाँ से हम लेंगे तो 6 इंच हम लंबाई हम बुन लेंगे। लंबाई बुनने के बाद फिर जो है हमारा बीच से ये गला का शेप बनेगा और यहाँ का फंदा कम होगा और ये जो हमारा बाजू है ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा। देखिए ये हमारा बाजू जो है लेंथ पूरा हो गया है बाजू का, और यहाँ से जहाँ से हमारा फंदा कम हुआ था यहाँ से हमारा ये 6 इंच है, और अगर यहाँ जहाँ से फंदा बंद करना स्टार्ट किया यहाँ से 7.5 इंच है। और ये दोनों तरफ का बराबर बराबर करके मैंने ये दोनों तरफ का फंदा जो है बंद कर दिए हैं। अब इसमें ये जो गला वाला जो हमारा बीच का फंदा बंद हुआ है और गला वाला जो कटिंग है इसमें फंदा उठाएंगे। और इसमें देखिए जो ये हमारा गला इसमें जो बना है आगे वाला पार्ट में जो ये भाग में जो गला हमारा ये बना है यही वाला डिजाइन बॉर्डर में जो बना है यही वाला डिजाइन, फिर पीछे के पार्ट में जो ये गला का कटिंग जो शेप है इसमें फंदा उठा के और बनाएंगे। इस तरह हमें फंदे उठा लेना है। इस तरह फंदे उठा लेंगे।
देखिए ये हमारा फंदा कंप्लीट हो गया। अब इसको बॉर्डर की तरह बनाना है, तो पीछे से बिल्कुल प्लेन इसको बना लेंगे, उल्टा उल्टा बुन के एक सिलाई निकाल लेंगे। देखिए ये हमारा पीछे से एक सिलाई कंप्लीट हो गया। अब आगे से इसमें ये एक फंदा ऐसे निकाल लेंगे और एक फंदे को हमें उल्टा बुनना है सीधी तरफ से भी, और एक फंदा ऐसे निकाल लेना है, एक फंदा उल्टा बुन के एक फंदा निकाल लेना है, इसी तरह जिस तरह हमने आगे में पीछे में बॉर्डर बनाया है। देखिए इसी तरह पीछे का भी बॉर्डर बनेगा, पीछे के गला का। तो इसका ये जो आगे के गला का जो बॉर्डर जितना लंबा ये बनाया गया है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात डिजाइन, ये सात सिलाई डिजाइन बना के और फंदा बंद कर दिया गया है। इसी तरह इसका भी एक दो तीन चार पाँच, पाँच सिलाई डिजाइन मैंने बना लिया है, और दो डिजाइन और सिलाई बना के, दो सिलाई और डिजाइन बना के और इसको फंदा को बंद करके बंद कर देंगे इसी तरह आगे के। देखिए ये हमारा गला कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे के पार्ट का ये सिलाई करेंगे। तो ये हमारा आगे का तीन भाग में बना था, तो तीन भाग को सिलने के लिए पहले वीडियो में बताई हूँ कि कैसे इसको करके, और ये तीनों एक ही में ज्वाइंट करना था इसको। अब इसको ये आगे से ऐसे करके, और हमें ये वाला भाग और ये वाला भाग ऐसे उल्टा करके और सिल लेना है। देखिए इस तरह से, ऐसे सिलेंगे। इस तरह से हमें सिल लेना है। इस तरह से बराबर बराबर दोनों भाग को पकड़ के ऐसे यहाँ तक सिल लेना है। देखिए ये सिल के दोनों तरफ से सिल के ये आगे का भाग कंप्लीट हो गया है, और अब ये पीछे वाला हमें इसमें सिलना है। तो पीछे वाला ऐसे ये सीधा है और ये उल्टा की तरफ से रखेंगे। ये आगे वाला भाग मेरा सीधा है और पीछे वाला भाग ऐसे उल्टा रख के, इधर दोनों तरफ से उल्टा हो गया, उल्टा की तरफ से पकड़ के ऐसे करके और ये दोनों कंधा मिलाएंगे, कंधा मिला के, और ये वाला ये बाजू यहाँ से यहाँ तक और ये कंधा से यहाँ बाजू तक दोनों सिलाई कर देंगे। देखिए ये हमारा ये आगे पीछे दोनों के गला और ये बाजू ज्वाइंट हो गया है, और ये आगे का इतना कंप्लीट हो गया। और अब यहाँ से हम बाजू फंदा यहाँ से उठा के दोनों का मिला के, आगे पीछे दोनों का मिला के यहाँ से फंदा उठाएंगे सीधी तरफ से और यहाँ तक फंदा उठा के, और ये जो गला का जो बॉर्डर बना है उतना ही बॉर्डर यही डिजाइन यहाँ पे भी बनाएंगे हम। देखिए ये हमारा बाजू बना के, दोनों तरफ का बाजू बना के ये कम्प्लीट हो गया है, दोनों तरफ का ये बाजू बन चुका है। अब इसको हमें ये दोनों तरफ से साइड का जो ये भाग है इसको सिलना है, तो हमारा ब्लाउज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको सिलने के लिए ब्लाउज को हम उल्टा कर लेंगे ऐसे, उल्टा लेके, और तब ये दोनों जो भाग है दोनों साइड का ये हम सिल देंगे, ब्लाउज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इस तरह से सिल लेंगे। देखिए ये इसी तरह से दोनों भाग किनारे का भाग पकड़ के ऐसे सिल लेंगे बाजू तक। देखिए ये दोनों तरफ से सिल के,
और सीधा कर दिया है मैंने। और ये हमारा ब्लाउज कंप्लीट है, पूरा तैयार हो गया है। और इसमें ये दो टसल्स लगा लेना है डोरी में, जिससे कि ये हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो गया। और देखिए यहाँ ये कटोरी जैसे हो गया है। और ये हमारा बाजू स्लीवलेस बाजू का बन के तैयार है। तो हाय गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। बाय।